और मीडिया वाला जो है ना इतने कोई पागल नहीं है, मीडिया वाले ना गोरखपुरिया भौजी से ज्यादा समझदार है, जो जा जाके पूछ रहे हैं उसके घर पे, गोरखपुरिया भौजी काहे नहीं जा रही है उसके घर पे, उसके घर पे जाके उसके माँ से इंटरव्यू ले ना, इतना ही शौक हो रहा है उनको सच्चाई जानने का, तो से तो होता नहीं है। खाली मीडिया वाले जो बना रहे हैं उनकी बात सुनेंगे तो दिमाग में घुसेगा, ये लोग जो है दिमाग को ब्लास्ट करके रख देगा। गाइस आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में वही मुद्दे पे बात करने वाले हैं, ममता चौहान के बारे में, जिसकी अभी कुछ दिन हत्या हुई है गाइस। और ये गोरखपुरिया भौजी ना अभी हमको लिटरली नहीं सुहा रही है, सच बताए तो। मगर क्यों गोरखपुरिया भौजी इसलिए नहीं सुहा रही है, हमको एक बात बताओ गाइस, क्यों क्या हुई शायरी? आप लोग स्टेटस जो लगाते हो तो वो कुछ फीलिंग से थोड़ी लगाते हो, नहीं, या फिर कुछ सोच के, या फिर किसी को हर्ट करना ऐसे। तो अगर कोई एटीट्यूड वाला अगर स्टेटस लगाए तो इसका मतलब तो यही समझेगा ना सारे पब्लिक, जो भाई इस बंदे में तो अलग ही जज्बा है, अलग ही एटीट्यूड आ गया है, तो क्या उसको जाके माथा फोड़ेगा या फिर गाली गलौज करेगा? गोरखपुरिया भौजी का ये वाला वीडियो देखिए गाइस। रात 11 बजे की बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उस समय महादेव वहां पर थे, वो स्टेटस लगाती है कि कदर करना है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो लोग कफन उठा उठा के देखते ही रहते हैं। इसका आप लोग समझ नहीं सकते हैं। देखेगा इस वीडियो में ये कह रही है, जो हमने रात को स्टेटस देखा था उसमें शायरी जो था वो गाइज स्टेटस लगाया था जिसकी अभी हत्या हुई है गाइज, कि कदर करना है तो जीते जी करो, कफन मरने के बाद तो कफन उड़ाने आते हैं। तो हम कहना चाहेंगे इस तरीके का शायरी जो है ना, स्टेटस पे बंदा कुछ भी लगाता है, कुछ भी स्टेटस पे हक देता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। का मतलब हुआ बे, स्टेटस लगाएगा तो उसका अलग ही मतलब निकल जाएगा। ये मतलब कि वो बोल के गई थी कि जो हम मर रहे हैं हम जीना नहीं चाहते हैं, कुछ इस तरीके का कह रही है? बिल्कुल भी नहीं गाइस, ये ना बिल्कुल ही अफवाह है, हम तो सच कह रहे हैं। जो वो जो मरी है ना उसके बाद में ना कॉन्ट्रोवर्सी फैला दी है ये लोग, सच बताओ तो। इतना तो वो भोजपुरी की एक्ट्रेस जो मरी थी ना, उसका क्या नाम था, आकांक्षा दुबे, में ये जो गोरखपुरिया भौजी जो कह रही है आकांक्षा दुबे का ही जैसे मामला हो गया है, तो हम कहेंगे ये मामला आकांक्षा दुबे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सभी को बताएं हम कैसे नहीं है, मतलब कि देखो आकांक्षा दुबे का जो केस था उसमें उसकी माँ सच बोली कि मेरी बेटी को मारा गया है, फांसी लगाया गया है उसको, तो बंदा जो भी था उसको नकाब हटाइए, साफ करिए, उसकी माँ ने। और इस केस में क्या है, और इस केस में गाइज ना कि पुलिस मामला देख रहा है, ना कि डॉक्टर ही मामला हुआ है, ना कि उसकी मां ने बयान दी है इस वाले केस में। ममता वाले केस में गाइज ये अलग है, जो उसकी माँ जो कह रही है जो मेरी बेटी खुद मरी है, कोई आत्महत्या नहीं हुआ है। और इस केस को कौन बढ़ा रहा है सबसे ज्यादा, गोरखपुरिया भौजी उंगली करे जा रही है इस केस में बेफालतू के, उसको आत्मा को ना ये शांति से मरने तो दी नहीं है, अब कंट्रोवर्सी इतना फैला दी है, जो हर छोटा क्रिएटर जो है जिसके चैनल पे 10-20 ऐसे व्यूज आते थे, एक लड़की का वीडियो लगाएंगे ये जो है लड़की, ये देखो गोरखपुरिया भौजी का वीडियो लगा दिया और खुद इसमें क्या भाषण दी, गोरखपुरिया भौजी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे सपोर्ट वाली दीवानी, इसके चैनल पर जाके देखो गाइस, व्यूज तो है नहीं बिल्कुल, और ये लफड़ा को घसीटी है तो कितना व्यूज आ गया है। अभी गोरखपुर में सही हमारी बात मानो कोई कॉन्टेंट था नहीं, लड़की मरी तो चल भाई लड़की को क्यों ना लपेटे में लिया जाए, गोरखपुरिया भौजी का लग रहा है जूस का दुकान नहीं चल रहा है ना, तो वो ये कॉन्ट्रोवर्सी फैला रही है, साथ में खुद तो कंटेंट का मजा ले ही रही है और दूसरे को भी दे रही है, मौत का ना तमाशा बना दिया है। और ये सब देख के उसकी माँ के ऊपर क्या बीतेगी ये सोचा है तुमने? इतना ही जो तुमको सच्चा मूरत बनने का जो शौक हो रहा है, उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही है तुम्हारी ये बेहूदी सी बातों पे, वो तुमने सोचा नहीं थोड़ा सा भी? माँ की जो भर भर के तुम उसकी बुराई कर रहे हो, ये थोड़ा सा भी इज्जत है नहीं कि तुम्हारे मन में? तुम भी किसी की बेटी हो। आइए जो कह रही है गोरखपुरिया भौजी दोस्तों, जे आप लोग के भी साथ होगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग काहे सपोर्ट करें बे? उसकी माँ बोलती जो हमारे बेटी को अन्याय दिलाओ, गाइज आप लोग सपोर्ट करो, तब हम लोग उतरते मैदान में और हम लोग सपोर्ट करते। तुम्हारे कहने पे क्या पब्लिक पागल है क्या? पब्लिक सब कुछ समझ के सोच के तब किसी का सपोर्ट देती है, और तुम्हारे ना बात का ना पिछवाड़ा है ना आगे है, खाली भूसती जा रही हो वीडियो में, कुछ समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? अभी तक ना पक्का सबूत मिला है इस
पुलिस तो लग ही नहीं रहा जितना तुम पीछे लग रही हो ना इस केस में। मुझे तो गाइस ये लग रहा है कि विष्णु राज और उनका जो बीच में लफड़ा हुआ था ना, कहीं इस जलन में गोरखपुरिया भौजी भूंद रही है शायद, इसीलिए वीडियो बना बना के भी। गाइस टॉप पे रिसर्च करोगे ना ये वाला केस का नाम, तो सबसे पहले ना गोरखपुरिया का चैनल आएगा। धड़ाधड़ वीडियो डाले जा रही है, धड़ाधड़ वीडियो डाले जा रही है। अब सोच सकते हो बंदी को वायरल होना है ना कि उसके माँ के जख्म पे वो मलहम लगा रही है, आग लगा रही है, ये सच बताओ तो। वीडियो बना बना के, और इसके कारण बाकी यूट्यूबर भी है वो भी वीडियो बना बना के डाले जा रहे हैं। भर दो सारे यूट्यूब पे कचरा, फैला दो एक ही आदमी का। मानते हैं जो जान से गई है गाइस, तो उसके मम्मी के पास जाके पूछो ना तुम क्या सच है क्या नहीं है, उसकी मम्मी सारे बताएगी। और गाइस ये वाला क्लिप देखिए आप। क्या सोच रहे हैं आप लोग कि मम्मी की जिंदगी चली जाए? मम्मी मम्मी ठीक है ठीक है भैया, पानी लाइए। देखे गाइस इसमें उसकी मम्मी की पूछ पूछ के सुन सुन के क्या हालत कर दी है। और ये क्या नाम है इसका, विष्णु राज का जो भाई है महादेव, वो भी देखो कैसे रो बिलक रहा है, उसकी माँ को संभाल रहा है। इतना रहता ना तो अपनी सास को छोड़ के भाग जाता वो। और देखो बिल्कुल पजिया के इस वाले वीडियो में इंटरव्यू लेने गया कोई, तो देखो किस तरीके से दोनों रो जा रहे और कह रहे जीने नहीं दोगे क्या। सही बात है भाई, ये मुद्दा घींचते 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 आज 4-5 दिन से गाइस घींच रहा है ये मुद्दा, पता है आप सभी को। और सच्चाई कोई सा वीडियो में नहीं है, सब व्यूज छाप रहे हैं। लड़का गाइस कह भी रहा है जो हमारी मम्मी की भी मतलब उसकी सासू माँ को भी हमारे राजी थी शादी से। अब शादी से सब राजी थे गाइस, लड़का लड़की खुद इतना प्यार करते थे एक दूसरे से, यहाँ तक कि शादी की सब कुछ बात हो गई है। तो आपको लगता है कि कहीं से भी या फिर मरवाने का सवाल उठता है इस वीडियो में, कहीं से भी उठता है क्या इनके जिंदगी पे? कहीं से भी नहीं। गोरखपुरिया भौजी ना ये इस बार जो ये मुजरा कर रही है ना, बिल्कुल ही बायाद और बेकिस्म की बात पे कर रही है, हमारी कहना मानो तो। देखते हैं बाकी, गोरखपुरिया भौजी हमारी काम पे तो लगी है, सीआईडी तो बनी रही है वो। देखते हैं कि आकाशा दुबे का तो अभी मामला कुछ साफ हुआ नहीं है, वो तो जेल में है, रितेश किसका हुआ है जान। और इस केस में गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, गोरखपुर का चैनल है भौजी जो कि आप सभी को सीआईडी बन के केस को खंगालेगी। अब हमको पता नहीं कहिया केस का मतलब कि जड़ मिलेगा, कहिया आतंकवाद मिलेगा जिसने ये हत्या करा है। तब तक के लिए कृपया करके गोरखपुरिया भौजी का ना वीडियो आप लोग देखते रहिए, खूब उसको व्यूज दीजिए, खूब उसको ना टॉप पे बिठा दीजिए, इतना उसके वीडियो को देखिए। आए दिन जो है ना कम से कम 10 को वीडियो डाल दिए, उस लड़की के तमाशा बना के रख दिया उसका मौत का। और यही सब वीडियो देख के उसकी माँ बेचारी इतनी दुखी हो गई जो रो रही है बिलक रही है, देखो वीडियो में क्या हालत हुई पड़ी है उसकी। गोरखपुरिया भौजी कुछ और मिर्च मसाला लगा के परोस रही है आप सबको। और मीडिया वाला जो है ना इतने कोई पागल नहीं है, मीडिया वाले ना गोरखपुरिया भौजी से ज्यादा समझदार है, जो जाके पूछ रहे हैं उसके घर पे, गोरखपुरिया भौजी काहे नहीं जा रही है उसके घर पे जाके उसके माँ से इंटरव्यू लेना, इतना ही शौक हो रहा है उनको सच्चाई जानने का, तो से तो होता नहीं है, खाली अपने घर में बैठ के कैमरा चालू करके गाइस लोग का कान काट रहे हो बस, यही तो हो रहा है। और तुम्हारे साथ साथ जितने भी है ना गोरखपुर के तुम्हारे चैनल सब पे वही वीडियो चल रहा है बस। टीआरपी में आने का ना तुम लोग का अच्छा मुद्दा है, अच्छा लोग मरा है ना तो उसको फायदा उठाओ, नजायज फायदा उठाओ। तो गाइस यही से हम वीडियो का एंड करते हैं, हमारा मतलब किसी का ठेस पहुंचाने का नहीं था, हमारा बस इतना ही मतलब था जो बंदी मरी है उसको कम से कम शांति से मरने भी दो, उंगली मत करो जानबूझ के। उसकी माँ बिचारी इतनी परेशान हो रही है, उसको कितना दुख हो रहा होगा, अभी वो मरी भी है ना तो उसका आत्मा वही होगा और दुख हो रहा होगा, सबसे ज्यादा तो गोरखपुरिया भौजी पर बुरा रही होगी वो, सच बताए तो हम। तो उसकी माँ की कोई राय अगर आए गाइस, उसकी माँ अगर झूठी है फरेब है तो सामने हम सभी को देखने को मिलेगा। और मैं तो यही चाहूंगी कि ये केस जो है ना गोरखपुरिया भौजी साइड हट और पुलिस ले तो बेटर होगा, सबूत भी सामने मुजरिम भी सामने हो जाएगा क्या। और इसमें मालती चौहान का अगर हाथ है, उसके फैमिली का हाथ है तो वो लोग भी जेल जाएंगे। पर बीच में जो गोरखपुरिया भौजी कर रही है ना, रायता जो फैला रही है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है गाइस, ये सब झूठा वीडियो है, इस सब वीडियो पे विश्वास ना करें। और गोरखपुर से जो भी वीडियो आ रहा है ना मत देखिए, मेरी राय मानिए तो, मीडिया वाले जो बना रहे हैं उनकी बात सुनेंगे तो दिमाग में घुसेगा, ये लोग जो है दिमाग को ब्लास्ट करके रख देगा। तो तब तक के लिए बाय।